आपने शायद अपने स्कूल टीचर्स या न्यूज में एक कभी ना कभी सुना ही होगा कि ह्यूमंस अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अगर हम ब्रेन का 100% यूज कर लें तो हम दुनिया के सबसे बड़े जीनियस बन जाएंगे। कुछ ही सेकंड में हम कुछ भी याद कर लेंगे और ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हम परफॉर्म ना कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या सच में ऐसा है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं, और क्या बाकी के 90% ब्रेन का कोई यूज नहीं होता, और जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, और इस सवाल का जवाब आपको एकदम डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम हक्सटर्स था, उन्होंने कहा कि वो ब्रेन की पूरी पोटेंशियल अनलॉक करने का तरीका सर्च करेंगे, और वो भी न्यूरोसाइंस की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं उनको क्या मिला। इस रिसर्च में उनकी सारी इनकम वेस्ट हो गई और उन्हें इस रिसर्च में निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। तो चलिए पहले जानते हैं इस मिथ की पॉपुलैरिटी के बारे में। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड नियरली 50% ऑफ साइंस टीचर्स इस 10% मिथ को सही मानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। 1890s में विलियम जेम्स, जिन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा कि हम जैसे बहुत से लोगों को अपने दिमाग के पूरे पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं होती। पर जेम्स ने इसे एक चैलेंज के रूप में कहा था, जिसे सबने गलत इंटरप्रेट किया। उस समय की टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिस्ट को काफी टाइम तक ब्रेन के कुछ पार्ट्स, जैसे कि फ्रंटल लोब्स और पैरिटल लोब की फंक्शनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन के इस हिस्से पर चोट लगने से कोई भी मेमोरी या मोटर लॉस नहीं होता है, जिससे कि साइंटिस्ट को लगा कि ये पार्ट्स कुछ नहीं करते हैं ब्रेन में, और इसी से 10% मिथ को और भी एक्सेप्टेंस मिली। और कई दशक बाद इन ब्रेन के पार्ट्स को साइलेंट एरिया भी कहा जाने लगा, क्योंकि साइंटिस्ट को ब्रेन के इन पार्ट्स की कोई भी इम्पोर्टेंस पता नहीं चली। और समय के साथ साथ ये मिथ और भी ज्यादा पॉपुलर होती चली गई। फिर इस मिथ पर कई मूवीज भी बनी, जैसे स्कारलेट जॉहनसन की लूसी, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। पर ये सिर्फ एक मिथ ही है कि ह्यूमंस अपने ब्रेन का 10% यूज करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज के समय में रिसर्चर्स ने ये पाया कि ब्रेन के सारे पार्ट्स उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। आप सबको पता ही है कि हमारे अर्थ में एवोल्यूशन का प्रोसेस ना जाने कितने समय से चला आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस 10% मिथ को एवोल्यूशन के बेसिस पर। आप सबको पता ही है कि कोई चीज जो इस अर्थ पर लगातार हो रही है, तो वो एक चीज है एवोल्यूशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ हजार साल पहले स्नेक्स के भी पैर होते थे, लेकिन विद टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ उनके पैर गायब हो गए, क्योंकि वो उनका यूज नहीं करते थे। तो सोचिए, अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज ही ना हो, तो क्या वो इतने मिलियन ईयर्स से हमारी बॉडी का हिस्सा बना होता? जवाब है नहीं, क्योंकि एवोल्यूशन में वही बचता है जो जरूरी होता है। तो चलिए अब हम ब्रेन को यूज करने की कैपेसिटी के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। जब हम ये देखते हैं कि हमारा ब्रेन कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करता है कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, तब ये 10% मिथ हमें मिथ ही लगती है, क्योंकि माइस और डॉग्स भी बस अपने ब्रेन की 5% एनर्जी का यूज करते हैं, और मंकी भी ब्रेन की 10% एनर्जी का ही यूज कर पाते हैं। और एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन, जो कि सिर्फ बॉडी का 2% वेट कैरी करता है, वो भी अपने ब्रेन की 20% एनर्जी यूज कर पाते हैं। और शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक चाइल्ड अपने ब्रेन की 50% एनर्जी का यूज करता है, और एक इन्फेंट अपने ब्रेन की 60% एनर्जी यूज करता है। और ये काफी ज्यादा यूसेज है अगर हम इसका कंपैरिजन बाकी एनिमल से करें। और ह्यूमंस के माइंड का वेट ऑन एन एवरेज 1.5 किलोग्राम होता है, एलिफेंट के ब्रेन का वेट 5 किलोग्राम और वेल्स के ब्रेन का वेट 9 किलोग्राम। पर फिर भी ह्यूमंस में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी डेंस पैकेजिंग की वजह से। और शायद यही वो चीज है जो हमें इतना अलग और स्मार्ट बनाती है बाकी सबसे। 20th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट ब्रेन का एमआरआई स्कैन करके ब्रेन की स्टडी करी, तो उन्हें ये पता चला कि ब्रेन का कोई भी पार्ट सोया हुआ नहीं है, मतलब इनएक्टिव नहीं है, और ब्रेन के सारे पार्ट्स एक्टिव रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं,
तब भी हमारे ब्रेन काम करते रहते हैं। और हमने ये आपको हमारी पिछली वीडियो वाई डू वी ड्रीम में एकदम डिटेल में भी बताया था। तो चलिए अब कुछ और थ्योरीज के बारे में जानते हैं। इन थ्योरीज के हिसाब से अगर 10% वाली थ्योरी सही रहती तो ब्रेन के दूसरे एरियाज डैमेज होने पर ह्यूमन की एबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर जैसा कि आप और हम जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट में आता है और थोड़ा सा भी डैमेज हो जाने पर हमारी बॉडी की हालत सीरियस हो जाती है। और इसीलिए बाइक चलाते वक्त हम लोग हेलमेट का यूज करते हैं ताकि हम अपने ब्रेन को किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी से बचा सकें। एक नॉर्मल इंसान अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी का एक बार में बस 1-16% ही यूज कर सकता है। हमारे ब्रेन्स के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसे ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट सभी ह्यूमंस अपने ब्रेन का पूरा यूज करते हैं। हम ह्यूमंस के ब्रेन इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि ब्रेन ही ब्रेन के बारे में पता नहीं लगा पा रहा और ब्रेन्स ही ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि 1.5 किलोग्राम का ब्रेन अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। इसलिए ब्रेन्स पर तो मिथ होने बनते ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।